अगेन तो मगर कोकर आप भाई ये जिस कह रहे हैं पेज कि पर है हुकूमत मैं बचाने उसी के लिए पेज रखी पर है, तो हूँ। हुकूमत तो जब बचेगी, जब ये तरमीम पास हो जाएगा, ये बिल पास हो गया है। मैं अगर वही बिल बात कह पास रहा हूँ। नहीं हुआ तो फिर हुकूमत कैसे बचेगी? आपके कहने का मकसद ये है कि बिल पास नहीं होगा। मैं यही कह मैंने अगर अच्छा फिर मुझे देखिए खोकर भाई ने बात कही ना कि ये हुकूमत चली जाएगी 4 6 8 महीने जो भी, क्योंकि इलेक्शन मैं भी कह रहा हूँ। मैंने आपसे क्या कहा था अगर आपको याद हो, मैंने कहा था शायद हुसैन सैयद जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। आपको याद है मैंने आपसे कहा था हाँ टेक्नोक्रेट कहा था हुकूमत जी, आई याद थी, है, याद है मुझे जी। याद है? मैं तो याद है, मैंने तो ये बातें बहुत पहले आपसे बोल चुका हूँ। मैं ये बातें मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि इमरान खान जेल से निकल जाएगा और उसको वजीर आजम साहब बना कह दिया रहे जाएगा, मैं हैं, तो ये बातें कर ही चौधरी नहीं रहा हूँ। साहब कह रहे हैं आपकी तबीयत नहीं ठीक, चौधरी साहब कह रहे हैं चौधरी प्रेसिडेंट साहब के को लिए तो चौधरी साहब चौधरी चौधरी हुई है, देखें रश कर रहे हैं। देखें देखें अपना जाफरी भाई चौधरी वो भी साहब को आ पता है क्या गए, है, ये गोकर साहब आ गए इस्लामाबाद दोबारा में से। बैठे हुए हैं, इनको ख्वाब भैया एक में बात बताऊं मैं सोते आपको, में इनको दिल्ली सिर्फ में आया दहशतगर्दी तो नजर आ रही मैं होती है, इसके अलावा कुछ तो नजर नहीं कहने आ रहा। लगे कि फौज के बारे में ये कह दिया, फौज के बारे में कह दिया। तो वो चाह रहे थे जैसे जनरल फैज साहब थे ना, तो उनके बारे में उन्होंने कोई बुराई नहीं की, और जो आर्मी चीफ इनको लेके आए थे पीडीआई को, वो इनको बड़े पसंद थे, उसके बारे में इनको कोई खराबी नजर नहीं आई। इन्होंने तस्करा नहीं किया कोई, इन्होंने खराबी की दूसरे की कि फलां ये था फलां ये था। जो इनके साथ इनको लेके आए वो बहुत अच्छा और नेक आदमी है, बाकी दूसरे खराब है। बाकी दूसरी बात हो गई कि एक तो चौधरी साहब आते हैं, सबको चौधरी साहब का बुखार हो जाता है, चौधरी साहब ने ये कह दिया, चौधरी साहब ने ये, चौधरी साहब ने कोई गलत बात नहीं कही। जहां तक एमकेएम के बारे में कहा चौधरी गया कि साहब एमकेएम आपकी का नाम बातें नहीं गौर लिया, से ये लोग सुनते हैं और उसके देखिए बाद आगे लेके एमकेएम चलते हैं। का नाम मैंने नहीं लिया, तो एमकेएम का नाम इसलिए लिया कि आपके प्रोग्राम में ही एक दहशतगर्द है जिन्होंने कहा था पीली पैंट पहन के हम फायरिंग करते थे, एमकेएम ने कहा ये दहशतगर्द है, उनको निकाल दिया, वो कनाडा चले गए, हो गई ये बात। और इसलिए नाम नहीं लिया एमकेएम के लोगों को, अभी साढ़े उनकी तीन तबीयत सौ खराब है लोगों इसलिए वो आपको इसका जवाब नहीं को, देंगे, देखिए वरना वो एमकेएम शायद के बीच में से लोगों ही आपको को जवाब साढ़े तीन देते। सौ लोगों को कस्बा कॉलोनी में मारा गया, आज तक नहीं पूछा गया। हैदराबाद में समीना मुझे बीएसपी अपने वालों कान की गाड़ी में सर्जरी अटके नहीं हुए करानी है, मारा कान पक गया, गए ना उसका मेरे उसका कान, कोई मैं पता नहीं नहीं चाह रहा है। मेरे उसका कान पक जाए उसकी भी कहना है सर्जरी करानी हैदराबाद पड़े, में ये और कान पक गए ये कहीं जुमले सुन सुन किसी के। फायरिंग करके मारा गया, उनका कोई पता नहीं है। और उसके अलावा कराची में जो ऑपरेशन के नाम पे 15-20 हजार लड़के गायब है, आज तक उनका पता नहीं है। तो इनकी फरमाइश में इनकी पार्टी है, तो ये सब मैंने बातें बता दी कि ऐसे अगर कुछ और बातें चाहिए जो जुल्म हुआ है कराची हैदराबाद के लोगों को, तो और बता देता हूँ, क्योंकि ये तो गद्दार है ना, उस कम में गद्दार बहुत पाए जाते हैं। तो कुछ गद्दार आ जाते हैं आपके चैनल पे, जो एक और है जो भागे में भुगता वक्ता लेके, तो ये है। अब अच्छा नहीं लगता है मुझे बार बार ये बातें बताते हुए इनके इकरार पे, क्योंकि पुराने कह रहा आदमी हूँ समझते कान पक हैं गए, कि कान पक एमकेएम गए, एमकेएम कान अल्ताफ पक की चुके हैं बात हो, चौधरी क्योंकि साहब। इनका प्रोग्राम भी अल्ताफ हुसैन ने अच्छा करवाया है। कराची में 4,000 लोग भेज के, वरना 400 लोग नहीं हो रहे थे इनके एहतजाज में पीटीआई वालों के। उसके बाद फिर जो है कल ये केक लेके गए अल्ताफ हुसैन के पास पीटीआई वाले के लंदन में, और वहां जाके केक काटा, उनके कदमों में चरणों में बैठे हैं ये। फिर तो ये बातें इनको बुरी लगती हैं, मैं तो बोलो नहीं करता, नाराज हो जाते हैं ना। दोबारा अल्ताफ हुसैन की